पटना में पीएम मोदी ने रैली की, विपक्ष पर बोला हमला, इंडिकेट बंधन पर जब ईवीएम को गाली देना शुरू कर दें तो समझ लेना कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है, 4 जून को नया रिकॉर्ड बनेगा। पीएम मोदी ने आरजेडी पर बोला हमला, लालटेन वालों ने बिहार में अंधेरा फैलाया, लालटेन से फेंकी घर की रोशनी करती है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मतदान, लोगों से की वोट डालने की अपील। मतदान के बाद बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मताधिकार दायित्व भी है और ताकत भी, भारत विश्व का सबसे ज्वलंत सक्रिय लोकतंत्र। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक साथ डाला वोट, दिल्ली के निर्माण भवन में किया मतदान। वोट देने के बाद बोली प्रियंका, एनडी गठबंधन की जीत होगी, लोकतंत्र और संविधान के लिए वोट करें। विदेश मंत्री अशोक शंकर ने किया मतदान, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट, लोगों से मतदान की अपील की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पत्नी संग डाला वोट, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर किया मतदान। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में किया मतदान, वोट देने के बाद बोली सभी लोग मतदान जरूर करें, फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बासु स्वराज ने किया मतदान, आपके सोमनाथ भारती से मुकाबला। मतदान करने के बाद बोले दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा, लोगों में उत्साह, जनता चाहती है मोदी तीसरी बार पीएम बने, दिल्ली की 7 सीटों पर खिलेगा कमर। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने किया मतदान, कांग्रेस के कन्हैया कुमार से मुकाबला। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने केजरीवाल के लिए की वोट की अपील, सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट, नफरत को हराने के लिए वोट करें। केजरीवाल के लिए वोट की अपील करने वाले फवाद हुसैन को केजरीवाल का जवाब, लिखा भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला, आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने डाला वोट, चिराग दिल्ली के पास एमसीडी प्राइमरी स्कूल के बूथ पर किया मतदान। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने किया मतदान, लोगों से भी मतदान की अपील की। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर चीफ रजत शर्मा ने की वोटिंग, मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु धवन ने भी दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर किया मतदान। भारत सेवाश्रम मामले पर बोले यूपी सीएम योगी, एनडी गठबंधन की राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित, विपक्ष हमेशा सनातन धर्म का विरोध करता है, जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोगों से की वोट की अपील, बोले संविधान लोकतंत्र और आरक्षण की रक्षा के लिए वोट करें। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने किया मतदान, नारायणगढ़ के पोलिंग बूथ पर किया मतदान, लोगों से मतदान की अपील की। बंगाल के घाटल में बीजेपी उम्मीदवार हिरणमय चटर्जी की गाड़ी को रोककर किया घेराव, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हिरणमय पर लगाया आतंकवाद फैलाने का आरोप, इलाके में तनाव। मतदान करने के बाद बोले नवीन पटनायक, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बीजेडी की होगी बड़ी जीत। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने डाला वोट, रांची के बूथ पर किया मतदान।